So, मैं ऑलरेडी दो टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ पीछे बैठ के. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसे होगी चलने में. बहुत सारे लोग बड़ा कुछ अलग अलग कह रहे हैं. कोई कह रहा है इसमें वाइब्रेशन है, कोई कुछ कह रहा है, बट मेरे को सब कुछ नॉर्मल से ही लग रहा है. वाइब्रेशन बहुत कम है, इतनी भी नहीं. तुमने स्पोर्ट मोड भी एक्टिवेटेड है डेफिनेटली. सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. एसी ऑफ. इंजन नॉइज के बारे में सारे बहुत कह रहे हैं कि बहुत सारी नॉइस है. सो आइडल पे थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, जो आई थिंक इट इज मतलब रीजनेबल है, कोई ज्यादा नहीं है. वही बात है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है हमारी कार से, इस करके हम कंपेयर इसको बहुत लग्जरी लेवल मतलब वही 30-35 लाख की गाड़ियों से कर रहे हैं. अब आई मीन सिटी मोड, सिटी मोड में 100 पीएस पावर है, 115 पीएस पावर है सिटी में, और इकोनॉमी में 100 है, शायद 100 एक. तो इको मोड में 100 बीएचपी पावर देती है, सिटी मोड में 115. तो मैं अभी 115 वाली भी मैंने स्टार्ट लिया है. थिंग्स आर क्वाइट रिफाइंड. एक बार इधर ले जाता हूं. अच्छी बात यही है फॉर अ ड्राइवर, फ्रॉम अ ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि सस्पेंशन इन्होंने बहुत स्टिफ दी हुई है, जो मुझे इको स्पोर्ट में पसंद था, कि खराब सड़कों में बहुत आराम से आप निकल जाते हो. खराब सड़कों में बहुत आराम से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. बिकॉज अगर शॉर्ट सस्पेंशन होती है तो गाड़ी बाउंस खाने लग जाती है, तो आपका स्टेयरिंग पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता. अगर स्टिफ रहती है तो कार ज्यादा हिलती नहीं है, बट आपको खड्डे जरूर फील हो सकते हैं. आई एम टेकिंग सम ऑफ द टाइम टू गेट यूज टू दिस. अब मैं जब पीछे बैठा था तो पावर मोड पे भी काफी लोग चला रहे थे, तो उस पर डेफिनेटली शोर बहुत बढ़ जाता. तो मैं पहले जान के सिटी चला रहा हूँ, चेक अबाउट द रिफाइनमेंट एंड एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग इज गुड इनफ, नॉट सुपर रिफाइंड, नॉट वेरी नॉइसी एज अ होंडा. होंडा की आवाज इससे बहुत ज्यादा, एंड लेट मी टेल यू सीआरवी की भी ज्यादा थी. सीआरवी का डीजल बिल्कुल रिफाइंड नहीं था ज्यादा, मतलब सीआरवी के डीजल से तो रिफाइंड नहीं आई, दैट इज अ बिग थिंग. बट छोटी छोटी जगहों पे, जैसे हम अभी खराब सड़क से निकले, या थोड़ी छोटी जगह पे पता नहीं क्यों स्टेयरिंग पे वाइब्रेशन आती है, विच शुड नॉट कम. आई थिंक आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे हैव यूज्ड इन द स्टेयरिंग, बट स्टेयरिंग में गाड़ी के इंजन की वाइब्रेशन या बॉडी की वाइब्रेशन नहीं आ रही थी, बट वो आ रही है. अगर सिटी मोड में पिकअप लेता हूँ तो इट इज लीनियर पिकअप, ठीक है. मैं फिफ्थ पे 120 पे था, आई वॉज इन सिटी मोड पे ही अभी. स्टेबिलिटी ऑन द हाईवे इज रियली वेरी गुड. स्टीयरिंग के थोड़े थोड़े मूवमेंट के साथ भी आई कैन सी दैट द कार व्हील्स आर रिस्पॉन्डिंग, सो देयर इज नो डेड एरिया. मतलब नहीं तो इट इज बहुत मिनिमल मूवमेंट है, बट आई कैन सी दैट ही व्यूज पर रिस्पॉन्स आ रहा है. पुटिंग टू पावर मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. इट इज 150 टू 140 डायरेक्ट. आई एम इन सिक्स्थ गियर नाउ, पुटिंग फोर्थ. Brakes are progressive, changing lanes. चार बंदे बैठे हैं full size, but even then it is confident enough. And I change lane at 130 around. I'm still at fifth. I'm in 140. बहुत extreme handling भी नहीं कर सकते, because the moment you change the lane, it is like front end काफी responsive है. फ्रंट एंड काफी रिस्पॉन्सिव है, बट अगर आप थोड़ा ज्यादा ही टर्न लेते हो अचानक, जैसे मैं पहले बता रहा था कि मैं हैंड ब्रेक कब यूज करता हूँ गाड़ी को स्टेबल करने के लिए टर्न लेने के बाद, तो इट्स लाइक अगर आप जैसे ही टर्न लेते हो और आप दोबारा अगर डायरेक्शन चेंज अचानक करना चाहते हो तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं द रियर ऑफ द कार टेक्स टाइम टू गेट एडजस्टेड टू हाउ यू हैव चेंज द लेन और हाउ यू हैव चेंज द स्टीयरिंग. तो फिर वही बात है कि हम एक 16-17 लाख की अच्छी एसयूवी को बहुत ज्यादा एक स्पोर्टी हैचबैक की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं. Long car and a big car, and this tarah ki SUV is bahut zyada body load hota hai, usse to bahut zyada control aur content hai. It's actually driving like a compact SUV, that is why it is compared to compass. 150, 5th gear still 160, but 6th dal raha hu.
अभी भी कोई मुझे फर्क नहीं लग रहा क्योंकि मैं स्पीड बता रहा हूँ इसलिए लग रही है, नहीं तो ड्राइविंग टाइम पे या बाकी लोग थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं, बट ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू डोंट इवन फील दैट द इंजन इज एट 160. सो पावर पॉइंट से सारे पॉइंट से इट इज वेरी गुड एंड आई थिंक कंपास में भी सेम है, बट नो डाउट कंपास की पावर थोड़ी ज्यादा है, बट स्टेबिलिटी हाईवे स्टेबिलिटी लेवल पे इट इज वेरी प्रॉमिसिंग, यू वोंट फील कि वो सब नहीं है, बट विंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है, कम भी हो सकती थी, मैं ब्लोअर बिल्कुल ऑफ करता हूँ तो भी मतलब विंड नॉइज बहुत ज्यादा है, मतलब यू कुड हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर लेवल ऑफ लग्जरी फ्रॉम दिस. Normally, I would have expected कि अगर मैं 140 में चल रहा हूँ तो हम आपस में आराम से बात कर रहे हैं, बट ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है. That is commendable. Now we are in a little bit of traffic area. मतलब कार का स्टेयरिंग रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, मतलब आपका मन करता है कि मतलब आप लिटरली आप अपने को हैंडबैग और स्पोर्ट लेवल भी समझते हो, बिकॉज स्टिफ सस्पेंशन और कार का स्टेयरिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट कार जैसे आप अचानक ही मोड़ते हो तो पीछे से मतलब यू हैव टू वेट टिल द कार सेटल्स डाउन, सो यू कैन ड्राइव डेफिनेटली एट अ स्पोर्टी लेवल, बट इफ यू टेक इट टू फॉरवर्ड यू कैन एंड अप इन एन एक्सीडेंट, जो मुझे कहीं ना कहीं नेक्स्ट समय भी लगता था. जैसे अगर मैं बिल्कुल दोबारा टर्न मोड़ू तो पूरी गाड़ी पीछे खिंच जाती है. You can give one direction and then let it cool down. But the engine is very responsive because it is in power mode. And I am in 6th gear only. So power ki dog ko kabhi kabhi nahi lagne wali. Really very good. And jahan tak kharab sadak ki baat hai, main already piche baith ke kafi log off-roading kar chuke hain isme. So I can still do it at a very low speed, but because the suspension is stiff, I would not recommend doing it because it will actually, मतलब आपके सारा luxury का experience खराब कर देगा. वही बात है, मतलब you have to give a combo, मतलब कहीं ना कहीं आपको rent देना पड़ता है, either soft suspension or stiff suspension. This is stiff. और एक इतनी सारी बड़ी कार को अगर आपने अच्छी drivability के लिए बनाना तो आपको करना ही पड़ता है, basic बार और करो कर भी लगता है. But steering response is really very good. At this, they have improved. जब से Zest आई है ना, मतलब Zest के बाद से मुझे इसका steering response बहुत अच्छा लगने लगा. So Tata has really worked on कि at least steering response अच्छा हो. Because ये बहुत important है यार. So that is in your hands. आपको यहीं पर अगर अच्छी feeling नहीं आएगी, तो आधा बता तो वही बन जाता है. Hyundai में भी देखोगे. लोगों को पता है यहाँ पे इतने चलते गाड़ी, फिर भी लोग आ रहे हैं. So hello. So we are going to go a little bit of off road. Hello. आ जाओ सारे यही हो. तो इसकी ऑफ रोडिंग का हाल वैसा जैसे इको स्पोर्ट का था. अब ऑफ रोडिंग करते वक्त आपको टफनेस कार की बहुत अच्छी लगती है कि वाह यार गाड़ी कितने आराम से निकल रही है, आप आराम से इसको चेंज कर सकते हो. ऑफ रोडिंग के टाइम पे ये नहीं लगता कि गाड़ी का मतलब गाड़ी आपके हाथ से निकल रही है, जो मेरे को क्रेटा में लग रहा था. दिस इज बिकॉज सेम रीजन की सस्पेंशन इज स्टिफ. So, अगर आपने खराब सड़कों से निकलना तो बहुत फास्ट निकलना पड़ेगा, जितना फास्ट निकलोगे उतना ज्यादा कंट्रोल से निकलेगी कार. बिकॉज इट्स अ बिग कार अगेन, पीछे काफी स्प्रिंगनेस है कार में, तो आपको आगे से लगता बड़ा अच्छा कंट्रोल हो रहा है, बट देन द रियर ऑफ द शिप कम्स बिहाइंड. और वही बात है, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कंफर्टेबल है कि आपको ये डर नहीं है कि शायद प्लास्टिक लगेगा नहीं लगेगा. मैं बहुत ज्यादा डीप खड्डे से निकला, बट आई नो कि काफी ऊंची होगी. अब यही चीज जो पहले एक और कस्टमर थे जिनके साथ मैं था, देवर सेंग की कंपास में ऐसा बिल्कुल नहीं है. कंपास को आप रफ सड़कों में नहीं चला सकते. कंपास एक्चुअली इज अर्बन एसयूवी, तो जो लोगों का रूरल एरिया में काफी ज्यादा रहन सहन है या एक्चुअली जेन्युइन ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, दिस इज अ बेटर कार फॉर देम. मुझे ये नहीं पता कि जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो स्पोर्ट मोड की करती है इकोनॉमी मोड की करती है, बिकॉज अगर इकोनॉमी मोड की माइलेज है और पावर आपकी स्पोर्ट मोड वाली है, सो आई थिंक स्पोर्ट पे काफी कम माइलेज होगी, बट आई एम नॉट श्योर.
अब स्पोर्ट मोड में इंजन काफी शोर करता है, अब मैं फिर वापस इको पे डाल दूंगा। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। 40 bhp उठ गया ऊपर से, अब ऐसा लग रहा है जान ही नहीं है, बट मतलब हर गियर एक क्रूजिंग गियर लग रहा है, जहाँ पे आपको रेस ज्यादा नहीं बढ़ रही है, गाड़ी की स्पीड बहुत कम बढ़ रही है, बट शोर डेड ही हो गया, बिल्कुल शोर मर गया। क्या बात है, तो ये मोड्स का फायदा है, लेट्स यू चूज व्हाट यू वांट टू हैव। शोर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब स्पीकर बंद कर दिया है इंजन ने अपने, बिल्कुल आवाज नहीं है और बड़े बड़े प्यार प्यार से उठ रही है। दिस इज 100 bhp राइट नाउ। सी द स्माइल ऑन माय फेस, ऑल द रफनेस हैज गॉन अवे। इधर से लेना लेफ्ट से, ऑल द रफनेस हैज गॉन अवे। सो आई थिंक सिटी मोड की बजाय आप इको मोड में ज्यादा गाड़ी चलाने वाले हो। You are going to toggle between eco and sport. अब because आप drive के बिना mode change करते रहते हो, you actually kind of forget कि मतलब subconsciously कि जब आपने गाड़ी start करने तो actually कितना throttle response आ रहा है। तो मेरे से पहले भी जो चला रहे थे उनसे भी कार actually बीच में बंद हो गई। दोबारा पहले गियर से start करते हुए। So we are finally here.